इस दीपावली बनाएं बिल्कुल लो बजट रेसिपी, घर में ही, घर के ही इंग्रेडिएंट से, ना खोवा, ना मावा, ना दूध पाउडर, ना चाशनी, किसी का झंझट नहीं, बस 10 मिनट में बनाएं ये मलाई मैदा पेड़ा। तो चलिए देखते हैं अपनी ये रेसिपी कैसे बनाई हमने, चलते देखते हैं। हेलो एवरीवन, हम छाया मिश्रा आप सबका स्वागत करते हैं अपने चैनल छाया मिश्रा में। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी रेसिपी कि आज हम आप लोगों के लिए क्या लाए हैं। तो चलते हैं किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं घर के ही इंग्रेडिएंट से मिठाई, बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी। इसमें ना कोई मावा चाहिए, ना इसमें खोवा चाहिए और ना ही इसमें दूध चाहिए। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं, बहुत टेस्टी एकदम मिठाई। ये देख रहे हैं आधी कटोरी में घी लिया हुआ है जिसको हम आधा डालेंगे, अगर हमें कम लगेगा तो हम और डाल देंगे। अब इसको होने देंगे, देखिए हमारा मेल्टेड घी था, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और अब इसमें हम अपना मैदा ये डाल देंगे अच्छे से और इसे हम भून लेंगे, ठीक है, ड्राई रोस्ट कर लेंगे इस तरह से मिलाते हुए अच्छे से। और फ्लेम को धीमे ही रखना है क्योंकि हमें मैदे का कलर नहीं चेंज करना है, बस हमारा मैदा अच्छे से पक जाए इतना ही हमको कुक करना है, ठीक है। ये देखिए गाइस अभी हल्का कम लग रहा है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा और डालेंगे। अब देख सकते हैं गाइस हमने हाफ घी लिया था, बटर या घी, क्योंकि मिठाइयां घी में ज्यादा अच्छी लगती हैं। तो हाफ कटोरी लिया था, उसमें से मुश्किल से ये देखिए 2 स्पून बच गया है, तो इसको अलग हटा देंगे और इतना हमारे लिए इनफ है। तो इसको हम अच्छे से ड्राई रोस्ट करेंगे गाइस। और इस मिठाई का नाम है मलाई मैदा पेड़ा बनाएंगे, इसे मलाई मैदा पेड़ा, क्योंकि गाइस आपने मैदे के बर्फी और लड्डू बहुत सारे खाए होंगे, आज पेड़ा देखिएगा। तो इसमें जो हम मलाई ऐड करेंगे ना, उसी की वजह से इतना टेस्टी जो फ्लेवर आएगा। देखिए गाइस आप सबको हैप्पी दीपावली, क्योंकि जिस दिन ये रेसिपी आप लोगों के पास पहुंचेगी उस दिन छोटी दीपावली होगी, ठीक है। तो आप लोगों को हैप्पी दीपावली। ये रहेगा इलायची पाउडर, 10 से 12 इलायची हमने छीलनी थी, उनका पाउडर बना लिया, वो डाल दिया इसमें। और देखिएगा स्मेल अच्छे से आने लगी है, काफी अच्छी स्मेल आ रही है अब, ठीक है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे मलाई। इस मलाई को ऐड गाइस, देखिए मलाई हर घर में होती है क्योंकि दूध सबके घर में लिया जाता है, तो मलाई भी सबके घर में उपस्थित होती है। अगर आप मलाई ना लें तो आप बिना मलाई के भी इसी तरह से बना सकते हैं। तो उसको हम देखिए भून लें, अगर आपने मलाई नहीं डाली है, ठीक है, तो थोड़ा सा और भून लें बिना मलाई का बनाने के लिए। अगर मलाई डालनी है तो इसी स्टेज पर हम इसमें मलाई ऐड करेंगे अपनी। तो ये देखिए हाफ कटोरी मलाई है जो कि हम इसमें ऐड करेंगे, हाफ कटोरी मलाई इस तरह से मिलाते हुए भूनेंगे अच्छे से। ये देखिए गाइस दूध पड़ने से हमारा जो मैदा है वो जल भी नहीं रहा है और अच्छे से भून रहा है। अगर आप मलाई ना ऐड करें गाइस तो दूध आपको घी और ऐड करना पड़ेगा, हमने मलाई ऐड करी थी इसलिए हमें घी ज्यादा ऐड नहीं करना पड़ा है। और ये गाइस देखिए बैक टू बैक काफी त्योहार आ रहे हैं, जैसे कि आज धनतेरस है, कल छोटी दीपावली है, परसों बड़ी दीपावली है, उसके बाद भाई दूज है। तो ये बनाइए अपने रेसिपी घर पर अच्छे से और अपने भाइयों को भी खिलाइए, वो खुद विश्वास नहीं करेंगे कि ये मैदे की मिठाई है, आप खुद सोच सकते हैं। तो ये दीपावली स्पेशल मिठाई आज आपको बना के हम बता रहे हैं। ये देखिए गाइस लगभग लगभग हमें इसे भूनते हुए 15 मिनट हो चुका है, तो अब बहुत अच्छी सी स्मेल आने लगी है। तो इसको हम फ्लेम बंद करेंगे और इसको ठंडा करेंगे। ये देख सकते हैं गाइस इस थाली में अपना निकाल लेंगे और इसे ठंडा करेंगे। ये देखिए गाइस हमारा हल्का हल्का ठंडा हो चुका है, तो ये अपना हम चीनी इसमें डालेंगे, पिसी हुई चीनी है ये, ठीक है, मिक्सी में डालकर पीस लीजिए। तो हमने ये आधी कटोरी चीनी पीस कर ले ली है, इसमें हाथ से हम मिलाएंगे इसको। अभी बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ, गर्म है मगर इतना ठंडा है कि हाथ से हम छू सकते हैं इसको, ठीक है। ये देखिए गाइस ठंडा हो चुका है, ठीक है, थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, इसको हम पेड़े का आकार देंगे, ठीक है, इस तरह करते हुए। ये देखिए गाइस कुछ पोर्शन हम ले लेंगे और उसको हम ऐसे राउंड करते हुए अच्छे से हम बना लेंगे पेड़ा। ये थोड़ा सा संभाल के करना होगा, ये देखिए इस तरह से पेड़े का रूप देना होगा, ये देख सकते हैं गाइस। अगर थोड़ा सा आपको सूखा सूखा बैटर लगे तो उसमें थोड़ा सा घी मिला लें, ठीक है, हमारा ठीक है तो हम कुछ नहीं मिलाएंगे। इसी तरह से सारे पेड़े
हम बनाकर रखेंगे। ये देखिए गाइस हमारी लो बजट मलाई के पेड़ा रेडी हैं, मैदा मलाई पेड़ा। तो कितने टेस्टी और कितने यम्मी हैं ये तो आप लोग घर पर बनाएंगे और बना के टेस्ट करेंगे उसके बाद हमें बताएंगे, क्योंकि देखने से नहीं पता चलता कि टेस्टी है या कैसे हैं। तो प्लीज हमारी घर ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज घर में ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें, और अगर पसंद आए तो रेसिपी लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।